हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मूवी जो यूट्यूबर होते हैं वो कैसे मूवी एडिट करते हैं और उसके लिए कौन से यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो ज़्यादातर यूट्यूबर होते हैं वो मूवी मेकर यूज़ करते हैं, तो उसे बताऊंगा मूवी मेकर कैसे, मतलब उसको यूज़ करना है, कैसे ये काम करते हैं, या मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ उसमें से बताऊँगा। तो सबसे पहले आप मूवी मेकर ऑन कीजिए, और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर किसी वीडियो या फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट वीडियो एंड फ़ोटोज, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ से मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाले वीडियो मैंने ले लिया। ये देखिए, ये जो बीच में वॉच है ना जो दिख रहा है आपको, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक हट जाते हैं, तो इसके लिए आप को थोड़ी देर वेट करना होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप ये कैसे कैसे काम करते हैं। काफ़ी बढ़िया ये मूवी मेकर है, आप इससे स्टार्टिंग में, अगर आप नया यूट्यूबर हो तो आप इसको स्टार्टिंग में काफ़ी बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। ये फ्री भी है और पेमेंट वाले भी है, मतलब आप पैसे से भी इसको यूज़ कर सकते हो या फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए कंप्लीट हो गया। आप जब पकड़े तो मेरी अकलाइयां हर बीट बढ़ती ते कभी रुक दी थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि बहुत लंबा है। यहाँ आप एडिट में जाके यहाँ स्प्लिट जो है ना इस पर क्लिक कीजिए, यानी ये वीडियो यहाँ से कट गया है, यहाँ से कट गया, आप इसको डिलीट कर सकते हो। ये डिलीट हो गया। देखिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या करना है। ये देखिए वीडियो चल रहा है, सबसे पहले आपको जहाँ से डिलीट करना है वहाँ क्लिक कीजिए, और फिर यहाँ एडिट पर जाके स्प्लिट कीजिए। स्प्लिट करने के बाद ये वीडियो यहाँ से कट गया, तो आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो या रख सकते हो। तो स्प्लिट करने के बाद यानी जो ये पोर्शन है ये दोनों अलग अलग डिवाइड हो गया, अलग अलग दो भाग में बच गया। आप चाहते तो इस वीडियो में भी आधी यानी यहाँ से कट करना है, तो यहाँ स्प्लिट कर दीजिए। ये देखिए दो भाग में बट गया, ये कट गया ये, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद सीधे डिलीट कर सकते हो। ये तो स्प्लिट का यानी काटने का, और जैसे आप यहाँ पर कुछ नया म्यूजिक ऐड भी कर सकते हो, तो ये ऐड कैसे करेंगे, ये आप होम पे जाइए, और होम पे जाने के बाद यहाँ ऐड म्यूजिक है, तो अब यहाँ से ऐड म्यूजिक क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर म्यूजिक ऐड हो जाएगा। तब इस तरह म्यूजिक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर म्यूजिक ऐड सकते हो, जैसे आप तो म्यूजिक ऐड कर सकते हो। और एक दो देखिए, अब देखिए ये होम पे तो इतना ही था, और आप यहाँ टाइटल वगैरह लिख सकते हो, इस मूवी का नाम क्या, वीडियो कौन सा, यहाँ टाइटल लिख सकते हो, और ये कैप्शन, या यहाँ पर रिकॉर्ड कर से आप डाल सकते हो, वीडियो बना सकते हो, वेबकैम वीडियो से यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एनिमेशन देख सकते हो, जो आप टाइटल लिखेंगे उसके एनिमेशन कैसे होना चाहिए वो इस तरह से आएंगे। यहाँ पर काफ़ी है, यहाँ पर एक नहीं है, काफ़ी है। ये देखिए, तो मुझे तो नहीं चाहिए अभी। एनिमेशन चलते हैं, एनिमेशन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ देख सकते हो काफ़ी एनिमेशन है, आप वीडियो बनाने के लिए काफ़ी बढ़िया है। देखिए यहाँ पर जानी ये वीडियो इस तरह से दिखेंगे, आप देखिए चला के देखते हैं। ये देखिए अब एनिमेशन का कितना टाइम तक रखना चाहते हो ये भी इसमें, अब मैं यहाँ 2 मिनट कर सकते हैं, या 0.5 सेकेंड, सेकेंड है ये, मिनट नहीं है, इतने सेकेंड से आप कर सकते हो। देखिए दूसरा, आप दूसरे पर क्लिक करिए, स्टार्टिंग में एक ही एनिमेशन आता कम आता, और जैसे आप दूसरे पर जाएंगे यहाँ पर काफ़ी एनिमेशन आ जाएंगे। ये देखिए ये कितने तरह के एनिमेशन है, आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन है, वीडियो हर तरह के एनिमेशन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। वीडियो इफेक्ट यानी कि वीडियो का कलर कैसा चाहिए, ये देखिए इसी कलर ऐसा हो गया, यानी आप ये कलर करेंगे ये वाले तो इसका ये ऐसा कलर दिखेंगे। ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, एक कलर हो गया, जो कलर चाहते हो उस कलर यूज़ कर सकते हो। यहाँ अप्लाई टू ऑल यानी कि सब पे अप्लाई हो जाएगा।
प्रोजेक्ट में इतना कुछ खास नहीं है। बीम यानी जूम आउट जूम इन करने के लिए, ये एडिट एडिट में ये स्पीड है, यानी कि आपको वीडियो कितनी स्पीड में चाहिए, जैसे ये स्पीड देख सकते हो आप, इसको कम स्पीड चाहते हो तो आप यहाँ पर जाइए, और कितना कम चाहते हो 0.5, ये देखिए एक स्लो हो गया, स्पीड स्लो हो गया, यानी आप तेज़ चाहते हो तो ये तेज़ भी हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये वाले, ये देखिए कितना जल्दी ख़त्म हो गया, ये स्पीड है। तो आप इस तरह इसको स्पीड तेज़ या कम कर सकते हो, ज़्यादा या कम कर सकते हो। फिर इसको सेव कैसे करना है वीडियो को, सब होने के बाद आपको यहाँ फाइल में जाना है और सेव मूवी करिए और फोर कंप्यूटर। कई बार सेव प्रोजेक्ट करते हो वहाँ पर सेव नहीं होते, सेव मूवी में जाकर फोर कंप्यूटर में आप सेव कर सकते हो। देखिए जैसे आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पूछेंगे कहाँ सेव करना है, तो आप वहाँ जाके उस फाइल में जाके सेव कर दीजिए, या आपका वीडियो सेव हो जाएगा। आप उस वीडियो को यूट्यूब अपलोड कर सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट यूट्यूबर भी अपलोड कर सकते हो फेसबुक पे, मगर इसके लिए आपको कुछ चार्ज लगेगा, तो आप चार्ज पे करना चाहते हो तो फिर हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से इसमें काफ़ी फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हो, ये नए यूट्यूबर के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो थैंक यू गाइज, एंड आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।